Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zubaan Kesari. लोकसभा चुनाव के शुरुआती दो चरणों के साथ ही राजस्थान में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा हो चुका है। 7 मई को देश में तीसरे चरण का मतदान हुआ। अभी भी 1 जून तक देश में 4 और चरण के चुनाव होने हैं। बची हुई चुनावी सीटों और राज्यों को लेकर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। देश में सबसे चर्चित सीटें रायबरेली और अमेठी है, जहां रायबरेली से राहुल गांधी तो वहीं अमेठी से केएल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार अमेठी को लेकर कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। इसकी वजह है 2019 के चुनाव में यहां से राहुल गांधी को स्मृति ईरानी से मिली पराजय। इस बार स्मृति ईरानी तो मैदान में है, लेकिन उनके सामने कांग्रेस के केएल शर्मा को मैदान में उतारा गया है। अमेठी में 20 मई को मतदान होना है और कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रियंका के साथ ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अमेठी लोकसभा सीट का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। गहलोत को अमेठी भेजने के साथ ही प्रदेश में उनके उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पायलट को उत्तरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट का ऑब्जर्वर बनाया गया है। इस लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उत्तरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार का मुकाबला भाजपा के मनोज तिवारी से हो रहा है। दिल्ली के जातीय समीकरण को देखते हुए सचिन पायलट को इस सीट की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं हरीश चौधरी को पंजाब का स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। हरीश चौधरी को कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के वक्त वहां का प्रभारी बनाया था। तब वो प्रदेश सरकार में मंत्री थे, लेकिन प्रभारी बनने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जबकि गुरदासपुर लोकसभा सीट से राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखचिंदर सिंह रंधावा चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में भारी गुटबाजी बताई जा रही है। तालमेल बिठाने के लिए पंजाब के अनुभव के चलते चौधरी को पूरे राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर सीपी जोशी को दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र का ऑब्जर्वर बनाया गया है। वो राजस्थान के भिलवाड़ा लोकसभा सीट से प्रत्याशी भी हैं, जहां पर मतदान हो चुका है। डॉक्टर जोशी अब दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट का चुनावी मैनेजमेंट संभालेंगे। बड़े नेताओं को मिली इन जिम्मेदारियों को लेकर माना जा रहा है कि भविष्य में इनके लीडरशिप वाली सीटों पर हार जीत इनके राजनीतिक भविष्य के लिए बड़ा बदलाव ला सकती है। सचिन पायलट, जो कि मौजूदा वक्त में कांग्रेस के महासचिव हैं, उनके पास छत्तीसगढ़ का प्रभार भी था। वहां कांग्रेस के पास 11 में से 2 लोकसभा की सीटें थीं। इस लोकसभा चुनाव में राजस्थान में भी पायलट की सक्रियता काफी अहम रही थी। ऐसे में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अब दिल्ली सचिन पायलट के लिए 4 जून को आने वाले नतीजे काफी मायने रखेंगे।